हेलो फ्रेंड, मैं अर्शद अय्यूब गुरुकुल कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाएंगे। हमने लास्ट क्या देखा था, एलसीएम और एचसीएफ में ऐसे नंबर्स का, मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी को रिवाइज करने के लिए मैंने दिया है और यहाँ पे फ्रैक्शन ना लेकर के मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, फिर वही रूल अप्लाई कर दीजिए आप। तो वीडियो को पॉज करें और चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। आइए मैं बताता हूँ। देखिए, इसको पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 832 और 3 कितना हो गया 35/8, और उसके बाद 2 × 2 = 4 और 1 = 5/2, और उधर से 24 और 1 = 25/4। इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हमने बताया था कि जब भी एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो तो जो हमें निकालना है वो सिर्फ ऊपर वाले का निकलेगा। हमें यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ किसका निकलेगा, सिर्फ ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा। तो एचसीएफ मतलब क्या कि ऐसा नंबर जो ये तीनों को काट दे। तो यहाँ पे 5 की अगर मैं बात करूं तो 5 से आपका 35 भी कट रहा है और 5 भी कट रहा है, 25 भी कट रहा है, लेकिन 5 से और बड़ा नंबर हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट नंबर हमें लेना है। तो 5 से ऐसा कोई भी बड़ा संख्या आपके नज़र में है क्या कि जो 35 को भी काट सके और 5 को भी और 25 को भी? तो 5 से बड़ा ऐसा संख्या जरूर होगा जो 35 और 25 को काट सके, लेकिन कभी भी वो 5 को नहीं काट सकता है। जैसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 से आपका कोई भी नहीं कट रहा है, 5 तो खैर कटेगा नहीं, तो 5 से बड़ा नंबर यहां नहीं ले सकते हैं। तो HCF यहां पे चलिए फॉर्मेट लिख देता हूं, HCF ऑफ क्या लिखना है, 35, 5 and 25, इसका HCF निकालना है, डिवाइडेड बाई नीचे वाले को क्या ले लेंगे, LCM, यानी LCM ऑफ 8, 2 and 4। तो HCF मतलब क्या हो गया, जो ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो ये तीनों को काट दे तो वो आपका क्या होगा, 5 होगा। बाकी आप निकाल के भी देख सकते हैं। और LCM मतलब क्या, ऐसा नंबर जो जिससे जो ये तीनों से पूरी तरह कट जाए, जस्ट उसका उल्टा होता है। तो ऐसा बड़ा संख्या कौन आपको दिखाई दे रहा है, तो 8 एक ऐसा संख्या है जो तीनों से कटता है। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा आपका, क्या 8 हो जाएगा LCM, यानी 5/8 आपका आंसर होगा। क्लियर है? अगर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं, चेक करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था जो ये तीनों को पूरी तरह से काट दे, जो ये तीनों को पूरी तरह से काट दे। तो 35/8, क्या ये 5/8 से पूरी तरह कट रहा है, चेक करके देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये पूरी तरह से कट रहा है। और आगे चेक कर सकते हैं 5/2 को, क्या 5/8 पूरी तरह से काट रहा है, 2 × 8, यहाँ 5/5, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 कट गया, ये भी पूरी तरह से कट रहा है। उसी तरह से आप इसको भी काट के देख सकते हैं, किससे, 5/8 से, ये 4 × 2 = 8, 2 ऊपर चला जाएगा ना, 5 × 5 = 25, यानी कि 10 आपका आंसर। ये 10 आंसर नहीं, मतलब ये पूरी तरह से कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो इस तरह से आप लोग चेक भी करके देख सकते हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग अब कुछ नया देखते हैं, पावर्स वाले नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो बात करते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, पावर वाले नंबर का किस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, हालांकि ये जो मेथड है, जो मेथड से ये सॉल्व होगा, वो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। क्या बोला गया है यहाँ पे, फाइंड द एलसीएम ऑफ 4^7, 4^5, 4^8 और 4^3 और उसके बाद 4। तो इसका एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान है इसका एलसीएम निकालना। एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीपल, कैसा कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन मल्टीपल किसको कहेंगे, जो ये सभी से कटता हो। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किसको कहेंगे, छोटी, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से कटता हो। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं 4^8 की मैं अगर बात करूं कि 4^8 क्या सभी से कट रहा है, तो बिल्कुल सभी से कट रहा है। 4^8 का मतलब क्या हुआ, अगर 4^7 से 4^7 की बात करें तो यहाँ पे कितना 7 है, 4 7 है, यहाँ पे कितना 7 है, 4 कितना है यहाँ पे, तो 8 4 है,
तो ये सात चार, क्या सात चार को काट करके सिर्फ एक चार यहाँ पे बचेगा, यानी कि ये पूरी तरह से कट सकता है। ठीक उसी तरह से अगर बात करें या पूरा अगर इसको लिख भी दे, एट फोर पे पावर एट का मतलब क्या हुआ, फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर कितना हो गया, चार और चार आठ, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अगर मैं बात करूँ फोर पे पावर सेवन का, तो इधर सेवन टाइम फोर लिखना पड़ेगा, तो ये पूरी तरह से काट सकता है। अगर मैं बात करूँ इससे कि क्या ये फोर पे पावर फाइव की का मतलब क्या हुआ कि फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर, यानी ये पाँच चार, क्या इसको नहीं काट सकता है, ये पाँच चार कट जाएगा, इधर कितना पाँच कट जाएगा, तो बचेगा कितना तीन, यानी इसका भी एलसीएम ये भी फोर पे पावर फाइव से पूरी तरह से कट सकता है। फोर पे पावर एट से भी अगर आप ट्राई करें तो पूरा कट जाएगा, कटना चाहिए। फोर पे पावर थ्री की बात करें तो फोर पे पावर थ्री यानी फोर इंटू फोर इंटू फोर, ये तीन चार, क्या इतना चार को नहीं काट सकता है। उसी तरह से फोर अगर यहाँ पे सिर्फ फोर से डिवाइड करना हो तो फोर से फोर कट जाएगा। तो मतलब एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो जो ये सभी से कटता हो। तो ऐसे केसेस में जब भी पावर वाला आपको दिखाई दे और एक जैसा नंबर दिखाई दे रहा है, तो आपको सिर्फ यही करना है कि जो हाईएस्ट पावर है वही आपका आंसर हो जाता है एलसीएम के केस में। एलसीएम के केस में क्या होता है, एक ऐसा नंबर हमें चाहिए जो इन सभी से कटे, तो जो हाईएस्ट पावर है वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि अगर इसी का अगर एचसीएफ निकालना होता, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर एचसीएफ अगर इसी का निकालना होता तो एचसीएफ का केस क्या बनेगा कि जो सबसे लोएस्ट पावर है, जो सबसे लोवेस्ट पावर है वही आपका आंसर होगा। यानी एलसीएम इक्वल टू क्या यहाँ पे हो गया था, एलसीएम इक्वल टू फोर पे पावर एट हो गया था। और अगर एचसीएफ की बात करें तो सिर्फ फोर ही होगा। लोएस्ट पावर कितना है आपका, फोर पे पावर वन है, तो यही आंसर हो जाएगा। सॉरी क्यों ये होगा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इन सभी को काट दे, जस्ट उसका उल्टा। तो अगर मैं बात करूं कि फोर पे पावर एट की, तो फोर पे पावर एट क्या फोर पे पावर सेवन को पूरी तरह से काट सकता है, आइए देखते हैं। फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर, चार और तीन सात, फोर पे पावर सेवन का मतलब ये हुआ। अगर मैं यहां पे भी हाईएस्ट कॉमन नंबर लेता, यानी कि अब देखिए तो क्या इस वाले नंबर को ये वाला नंबर पूरी तरह से काट सकता है, यानी फोर पे पावर सेवन को फोर पे पावर एट पूरी तरह से काट सकता है, नहीं काटेगा। यहां सात है, यहां आठ है, एक चार बच जाएगा काटने के लिए, यानी आपका ये आंसर आ रहा है। तो फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आता है तो वो कटना नहीं कहलाता है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं कि अगर फोर पे पावर वन में लेता, यहाँ पे अगर सिर्फ फोर रहेगा तो आप कोई सा भी नंबर यहाँ से उठा ले वो सभी को काट सकता है। तो इसीलिए एचसीएफ में क्या लेंगे हम लोग, पावर वन ले लेते हैं, यानी लोएस्ट पावर, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगर पावर अगर यही आपका नेगेटिव में दिया हुआ है तब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो एलसीएम अगर निकालना हो तो आपको ये ध्यान में रखना है, जस्ट उसका प्लस वाले का उल्टा हो जाएगा। अगर एलसीएम निकालना है तो जो सबसे कम न्यूमरिकल वैल्यू है, देखिए ऐसे भी माइनस में सबसे अधिक किसको माना जाता है, जिसका न्यूमरिकल वैल्यू कम होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पावर में सबसे बड़ा कौन माना जाएगा, माइनस नाइन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि फाइव पे पावर माइनस नाइन, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, फाइव पे पावर माइनस सिक्सटीन, जस्ट उसका उल्टा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब इसी को मिक्स करके पूछा जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर यही पावर वाला टर्म आपको मिक्स्ड करके दिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम था इसलिए ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो एलसीएम का दिखाई दे रहा है, एचसीएफ मैंने इसमें खुद से इंक्लूड कर दिया है ताकि दोनों चीज़ सीख सके कि ऐसे नंबर्स का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैसे निकालते हैं। अगर एलसीएम की मैं बात करूँ तो एलसीएम किसका निकालना है, तो एलसीएम आपको निकालना है टू पे पावर थ्री इंटू थ्री पे पावर थ्री इंटू फाइव पे पावर टू, और किसका है आपका टू पे पावर टू इंटू थ्री पे पावर फोर इंटू फाइव इंटू सेवन, और क्या है टू पे पावर टू इंटू
थ्री पे पावर फाइव इंटू सेवन पे पावर नाइन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक जैसा जो नंबर आपको तीनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है पहले उसको लेते हैं। तो तीनों में आपका दो वाला टर्म दिखाई दे रहा है, तो आप अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, दो वाला टर्म तीनों में है तो इसमें आपका दो तो आ जाएगा, लेकिन अभी मैंने बताया था कि एलसीएम में कौन सा पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर आपको लेना होगा यानी दो पे पावर थ्री। अब बात करते हैं थ्री वाले टर्म की, क्या थ्री वाला टर्म तीनों में है, बिल्कुल थ्री वाला टर्म भी आपका तीनों में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि थ्री भी यहां पे आ जाएगा, लेकिन हाईएस्ट पावर वाले को लेंगे यानी किसको, तो फाइव को। उसके बाद और कोई ऐसा नहीं है जो आपको तीनों में दिखाई दे रहा है, तो अब फिर हम लोग किसको ले लेते हैं, जो दो में आपको दिखाई दे रहा है, तो दो में कौन कौन है, तो ये फाइव वाला टर्म दो में है, तो फाइव वाले में भी हाईएस्ट पावर लेंगे यानी पांच पे पावर कितना लेंगे, दो लेना होगा। उसके बाद सेवन भी आपको दो में दिखाई दे रहा है, तो सेवन पे पावर किसको लेना होगा, सेवन पे पावर नाइन को लेना होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, टू पे पावर थ्री, थ्री पे पावर फाइव, फाइव पे पावर टू और सेवन पे पावर नाइन, ये आपका एलसीएम कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये अगर यहाँ पे मान के चलिए कि एक अलग से रहता नाइन रहता तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको भी हम लोग एलसीएम में नोट कर देते हैं, लेकिन इस यही जब अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपका कैसे निकलता है, तो एचसीएफ किस तरह से निकलता है कि जो तीनों में कॉमन हो सिर्फ उसको लेना है, जो तीनों में कॉमन हो सिर्फ उसको लेना है। तो यहाँ से अगर बात करें तो तीनों में कॉमन कौन कौन है, तो दो वाला टर्म है और तीन वाला टर्म, ये तीनों में कॉमन है आपका। अगर ये तीनों में कॉमन है तो अब ये देखना है कि एचसीएफ में पावर कौन सा लेते हैं, तो लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो इसमें आपका लोवेस्ट पावर कौन दिखाई दे रहा है, तो पावर वन दिखाई दे रहा है यानी दो पे पावर वन, और हाईएस्ट पावर कौन, थ्री वाले टर्म में लोवेस्ट पावर कौन दिखाई दे रहा है, तो थ्री दिखाई दे रहा है यानी थ्री पे पावर थ्री। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, टू इंटू थ्री पे पावर थ्री, ये एचसीएफ कहलाएगा, और एलसीएम कौन कहलाएगा, ये आपका एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम का देखिए ये आपका ऑप्शन दिया गया है, टू पे पावर थ्री, थ्री पे पावर फाइव, फाइव पे पावर टू और सेवन पे पावर नाइन, तो बिल्कुल सही है ये। और एचसीएफ में सिर्फ आपको क्या करना है, ऐसे नंबर्स को लेना है जो तीनों में कॉमन हो और लोएस्ट पावर को हमें लेना है। लोएस्ट पावर को क्यों लेते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं कि दो पे पावर मैंने वन क्यों लिया, तो यहां पे अगर दो पे पावर तीन इंटू दो पे पावर वन, अगर मैं इसमें कॉमन निकालने की बात करूं तो क्या कॉमन निकल सकता है, टू पे पावर वन ही। यहां कितना बचेगा, दो का स्क्वायर, यहां बचेगा सिर्फ दो, यहां कुछ नहीं बचेगा। लेकिन कभी भी हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल सकते हैं, कैसे कॉमन निकालेंगे जब यहां है ही नहीं, यानी तीन दो तीनों में होना चाहिए ना कॉमन निकालने के लिए, तो यहां पर तो एक ही दो है, तो इसलिए हम लोग एचसीएफ में क्या करते हैं कि सबसे लोवेस्ट पावर को लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड। अगर यहां पे एलजेब्रिक फॉर्मेट में आपको दिखाई दे और कहा जा रहा है कि इसका एलसीएम निकालिए, तो देखिए कितना आसान है एलसीएम निकालना, ये और भी इजी हो जाता है क्योंकि ये आपका ऑलरेडी अलग अलग करके दिया गया है, आपको सिर्फ ये करना है कि 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ऐसा नंबर जो 10 से भी कटे, 15 से भी कटे और 20 से भी कटे, छोटा से छोटा। तो हम लोग क्या बोले थे कि एलसीएम निकालने का तरीका, जो बड़ा संख्या दिखाई दे रहा है उसका टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। तो 20 का टेबल अगर आप वन टाइम पढ़ते हैं तो क्या आता है 20, क्या 20 15 और 10 दोनों से कट रहा है, नहीं कट रहा है। आगे बढ़िए, 22 जब 40, क्या 40 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, सभी से कटना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 23 जा 60, क्या 60 15 से कट रहा है और 10 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में क्या आ जाएगा, 60 आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 15 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। अब बात करते हैं ए वाले टर्म की, ए वाला टर्म तीनों में है तो ए को ले लेंगे, लेकिन ए वाले टर्म में हाईएस्ट पावर कौन है, तो हाईएस्ट पावर कौन आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 दिखाई दे रहा है। बी वाले टर्म भी तीनों में है तो बी भी लेंगे, लेकिन बी में हाईएस्ट पावर क्या है, तो 2 है, तो इसलिए बी स्क्वायर यहां पे ले लेंगे। और ठीक सी में भी उसी तरह से हाईएस्ट पावर कौन है, तो आपका सी है। एक्स्ट्रा कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये तो हो गया एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही आसान है एचसीएफ निकालना भी। एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन हो सिर्फ उसको लेना है। तो एचसीएफ की अगर बात करें तो
क्या फाइव कॉमन निकाला जा सकता है 10, 15 और 20 से? हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है, तो पांच आपका हो जाएगा। पांच अगर निकालेंगे तो यहाँ दो बचेगा, यहाँ तीन बचेगा और यहाँ पांच चौके 20, चार बचेगा। अब इन तीनों में से कोई कॉमन निकल रहा है क्या? कोई भी नहीं, यानी कि आपका HCF 10, 15 और 20 का कितना होगा? तो HCF 5 होगा। अब बात करते हैं इनमें से तीनों में कॉमन कौन कौन सा है, तो ए तीनों में है और HCF में क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं, यानी पावर 1 होगा यहाँ पे। उसके बाद बी के साथ भी यही होगा पावर 1 और सी के साथ भी यही होगा पावर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5ABC क्या कहलाएगा? तो 5ABC आपका HCF कहलाएगा और 6DA²B²C², ये क्या कहलाएगा? आपका LCM कहलाएगा। अब कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने बेसिक कैलकुलेशन में भी पढ़ा था, सिंप्लीफिकेशन में भी पढ़ा था और एलजेब्रा में भी पढ़ा था। तो कुछ बेसिक फार्मूला से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं कि वो किस तरह से फार्मूला के रूप में इसको सेट करके पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, किनका किनका एलसीएम निकालना है। x³ - y³, ये एक अलग हो गया, और x² + xy + y² का। तो इनका HCF और LCM कैसे निकालेंगे? फिलहाल LCM है क्वेश्चन में, तो LCM को देख लेते हैं। इसको हम लोग अगर फैक्टराइज करेंगे तो देखिए, मैंने एक फार्मूला लिखवाया था कि a³ - b³ बराबर क्या होता है, तो a - b (a²) - + ab + b²। ये किसका फार्मूला होता है? a³ - b³ का। यानी आप x³ - y³ को ये ना लिख करके और क्या लिख सकते हैं, तो x²+xy + y²। क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है? क्योंकि फॉर्मूला मैंने पहले भी आप सभी को बताया हुआ है, एक बार रिवाइज भी कर दिए। और दूसरा क्या है आपका, एक इसका भी एलसीएम निकालना है, +xy + y²। यानी इसका और इसका, ये दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मतलब क्या हुआ? एलसीएम मतलब ये हुआ कि जो दोनों में है उसको भी लेना है। यानी दोनों में आप देखिए, ये वाला टर्म आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो x² + xy + y², ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आपका आएगा ही। साथ ही जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं, तो ये वाला टर्म आपका बचा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी x - y को भी ले लेंगे, तो यही आपका एलसीएम कहलाएगा। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग इधर ना लिख करके, देखिए 2 × 4 को 4 × 2 अगर लिख देंगे तो क्या ये गलत हो जाएगा? दोनों का आंसर तो सेम ही होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इतना गुना इतना जब मिलता है तो क्या बनता है, a³ - b³ के टर्म में आता है। तो अगर मैं बात करूं कि a² + ab + b² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे a - b, तब भी तो आपका यही रहेगा ना। तो इस आधार पे यहाँ पे x - y (x²) + xy + y², ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये x³ - y³ का फॉर्मूला होता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी की HCF की बात करें तो HCF क्या हो जाता, तो HCF क्या हो जाएगा आपका, तो HCF वही होगा जो सिर्फ दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? सिर्फ ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। यानी सिर्फ HCF क्या होगा आपका, सिर्फ x² + xy + y², ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया उसको छोड़ देते हैं। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते फ्रेंड। तो आइए अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम में। लैंग्वेज प्रॉब्लम में एलसीएम और एचसीएफ से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि दो संख्याओं का लसा, लसा मतलब एलसीएम, दो संख्याओं का लसा 160 और मसा कितना है, 16 है। तो दो संख्या है हमारे पास, अगर उसके उन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ रहा है, तो एलसीएम 160 आ रहा है। और एचसीएफ कितना आ रहा है, वही दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आ रहा है, एचसीएफ 16 आ रहा है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि इनमें पहली संख्या 32 है, यानी वो जो दोनों संख्या की बात कर रहे थे जिसका एलसीएम 160 और एचसीएफ 16 है, उन दोनों संख्याओं में से पहली संख्या कितना है, 32 है, तो दूसरी संख्या क्या है, ये आपको निकालना है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसके इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक छोटे से नंबर से। मान लीजिए ये 8 और 12, इनका एलसीएम निकालना है।
अगर एलसीएम निकालना है एकदम नॉर्मल मेथड से समझते हैं, हालांकि हमें पता है कि 12 एकम 12, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 एकम कितना होगा 12, तो 12 क्या दोनों से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 12 दोनों 24, 24 दोनों से कट रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 24 आएगा, एलसीएम 24 आएगा। लेकिन अगर ये मेथड पता नहीं है तो दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, दो से कट रहा है, दो चौके 8 और दो चौके 12, फिर दो से दो, दोनों 4 और दो तिहाई 6, अब कोई नहीं कट रहा है तो दो दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिहाई 24, यानी एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम 24 आ गया। अब बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ 4 ही दोनों से कॉमन निकल सकता है। चलिए बना के देखते हैं, अगर एचसीएफ की बात करें तो 8 एकम 8, यहाँ कितना बच गया 4, उसके बाद क्या करते हैं एचसीएफ में, फिर यहाँ से डिवाइड के लिए तैयार करते हैं, या 8 आपका बीच में आ जाएगा, 4 दूना 8, फाइनल जिससे कटता है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, यानी यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 4 होगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे ये एलसीएम जो 24 आया वो किसका किसका एलसीएम है, तो 8 और 12 का, और जो 4 एचसीएफ आया वो किसका एचसीएफ आया, तो 8 और 12 का ही एचसीएफ 4 आया। इसमें से कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि जब हम ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा एलसीएम वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मली क्या करना है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आता है, तो 12 आठे 96 यानी कि 96 आता है, सॉरी 96 आता है, ये दोनों का आपका मल्टीपल कितना आया, 96 आया, और एलसीएम जो आया था मेरा, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एलसीएम कितना आया था 24, और एचसीएफ कितना है मेरा 4 है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आएगा, तो 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1, 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका ये निकल के आ रहा है कि जब दोनों संख्याओं को जो मल्टीप्लाई करने से जितना आता है उतना ही आपका एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो ऐसे केसेस में आप कह सकते हैं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ वो किसके इक्वल होता है, तो फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, या फिर इसको पलट भी सकते हैं, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो एलसीएम इनटू एचसीएफ, यानी एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, तो वही दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बराबर आएगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्या होता है कि जब दो संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है और दोनों के आंसर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो वही दोनों संख्याओं को के मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आंसर आएगा वो उसी के बराबर आएगा आपका। क्लियर है? तो ये इससे आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर किसके इक्वल होता है, तो इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे बताएं कि यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में कुछ दम रह गया है, अगर बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके सिर्फ फार्मूला में आपको बैठाना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट नंबर आपको पता है, सेकंड नंबर पता नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पता है तो यहाँ पे फार्मूला ये बन जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर आपको पता है 32 है, सेकंड नंबर आपको पता नहीं है, एक्स मान लीजिए दूसरी संख्या को, इक्वल टू क्या होता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना दिया गया है आपका, एलसीएम कितना है 160 और एचसीएफ कितना है 16 है। सॉल्व कर दें आप, 16 दूना 32 ये 10 बार में, 2 से 8 बार में, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 होगा। आप देख ले ट्राई करके, दूसरी संख्या 80 आ गया और पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या है आपका 32 है। आप 32 और 80 को का HCF निकाल के देखे, डेफिनेटली 16 ही आएगा, और 32 और 80 का आप HCF LCM निकाल के देखे, डेफिनेटली कितना आएगा, 160 ही आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि 60 आना ही, 160 आना ही आना है। आइए एक बार चेक करके देख लेते हैं, अगर 32 का 80 से हम डिवाइड करते हैं, 32 को सॉरी 80 को 32 से डिवाइड करते हैं, तो 32 दूना 64, 16 आएगा, यहाँ अब 32 आ जाएगा, तो 16 दूना 32 पूरा कट जा रहा है, पूरा किससे कट रहा है, 16 से, यानी कि एचसीएफ कितना है 16 है ना। अब एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो 80 और किसका 32 का एलसीएम निकालना है, तो पहले 2 से कट रहा है 40 बार में और 16 बार में,
अगेन 2 से 20 टाइम्स में, यहाँ 8 टाइम्स में, फिर 2 से 10 बार में और 4 बार में, 2 से 5 बार में और 2 दूना 4 2 बार में। अब मल्टीप्लाई करके देखें डेफिनेटली कितना आएगा, 160 आएगा, ये सिर्फ चेक कर रहे हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पचे 80 और 80 दूना कितना हो जाएगा, 160। क्लियर है ना? तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आप लोग ट्राई करके देख ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन सिर्फ आप लोग बना ले, यहां पे एलसीएम दिया गया हो, अगर अगर एलसीएम की बात करें तो 225 आपका एलसीएम है, एलसीएम कितना है 225 है, और एचसीएफ कितना है यानी मसा कितना है 5 है, जिसमें से पहली संख्या अगर 25 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, वीडियो को पॉज करके बनाएं, और ये इसका ऑप्शन नहीं, एक बार ट्राई करके देख ले आप लोग, वीडियो को पॉज करें और इसको बनाने की कोशिश करें। आइए देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। यहां पे अगर मैं बात करूं एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो फर्स्ट नंबर 25 है, सेकंड नंबर आपको पता नहीं है, एलसीएम पता है 225 और एचसीएफ भी पता है 5, इसको बस सॉल्व करना है। 25 से अगर देखें तो 9 बार में कट रहा है, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 45, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जो आपका ऑड इवन ये सब मिक्स करके पूछा जाता है, तो इसी को लैंग्वेज के रूप में, जो इसका डेफिनेशन होता है उसी को लैंग्वेज के रूप में सेट करके और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 10, 20, 15 और 40 से पूरी तरह विभाजित हो, एंड सेकेंड नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 10, 20, 15 और 40 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ पे एक फर्क दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या बोला जा रहा है और यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या, यही है ना? तो ये एक फर्क दिखाई दे रहा है, साथ ही आपको एक और फर्क दिखाई दे रहा होगा जो 10, 20, 15, 40 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, और यहां पे क्या दिखाई दे रहा है जो 10, 20, 15 और 40 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। ये दोनों में बहुत फर्क है। देखिए जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में निकल के आ रहा है, जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, तो उस क्वेश्चन को पूछने के लिए हमेशा कंफ्यूज किया जाएगा। कभी आप इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन समझ लेंगे और ये क्वेश्चन को ये क्वेश्चन समझ लेंगे, क्योंकि माइंड में ये होता है कि चलो एक में छोटी से छोटी संख्या है, एक में बड़ी से बड़ी संख्या है, तो ये ध्यान में नहीं रखना है। देखिए ये ध्यान में नहीं रखना है, इस पे कभी भी आप लोग फर्क ये मत कीजिएगा कि यहाँ छोटी है तो ये करेंगे और बड़ी है तो हमेशा वो करेंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर से यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और को अगर यूज किया गया है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलूँ कि 4, 8 और 12 इनका एलसीएम क्या होगा, तो 24 तीनों से कट रहा है, और एचसीएफ क्या होगा, तो 4 होगा, 4 कॉमन निकल रहा है। अब ये एलसीएम और एचसीएफ है क्या, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। एलसीएम किसको कहेंगे, एक ऐसा संख्या, पहले मैं बात करता हूं एलसीएम में, पहले एम की मैं बात करता हूं, पहले मैं एम की बात करता हूं, मल्टीपल हमें निकालना है यानी कि गुणज निकालना है। तो कैसा गुणज निकालना है, तो कॉमन मल्टीपल, है ना,
कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब एक ऐसा, एलसीएम में क्या निकालना होता है, कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा संख्या, मल्टीपल मतलब क्या, जो टेबल में आए, है ना। तो कॉमन मल्टीपल मतलब क्या हुआ, जो सभी के टेबल में आए, मतलब ये तीन संख्या अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक ऐसा कॉमन संख्या आपको चाहिए जो 4 का भी मल्टीपल हो, 8 का भी मल्टीपल हो यानी 8 के भी टेबल में आता हो, और 12 का भी मल्टीपल हो यानी कि 12 के भी टेबल में आता हो। यही तो आपका कॉमन मल्टीपल है। अगर मैं बात करूं कि बताइए क्या 8 आपका एलसीएम हो सकता है, तो 8 कॉमन मल्टीपल ही नहीं है। देखिए ये 4 का मल्टीपल है, ये 8 का भी मल्टीपल है यानी 8 के भी पहाड़ा में आता है, लेकिन तो ये हम कह सकते हैं कि ये 4 का मल्टीपल है, ये 8 का मल्टीपल है, लेकिन क्या ये 12 का मल्टीपल है, 12 के टेबल में 8 आता है क्या, नहीं ना। तो इसीलिए 8 को हम कॉमन मल्टीपल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बात किया 24 का, तो 24 4 का भी टेबल में आता है और 8 का टेबल में भी आता है और 12 का भी टेबल में आता है, इसी को कहा जाता है मल्टीपल। और कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, तो ऐसा जो तीनों के टेबल में आता है। ये तो कॉमन मल्टीपल तो ठीक है, अब ये लोवेस्ट का क्या चक्कर है। L4 क्या होता है, आपका लोवेस्ट होता है। अब ये लोवेस्ट का क्या चक्कर है, देखिए बहुत ही आसान चक्कर है। देखिए अब यहां पे कॉमन मल्टीपल की बात करें तो ऐसा तो बहुत सारा नंबर होगा ना, ऐसा तो बहुत सारा नंबर होगा जो 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है और 12 से भी कटता है, ऐसा एक कॉमन मल्टीपल तो नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 48 का, तो 48 भी तीनों से कट रहा है, देख लीजिए 4 से, देखिए 4 से काट के 4 एकम 4, 4 दून 8, 12 बार में कट रहा है ना, 8 से 8 छके 48, 12 से 12 छके 48, यानी तीनों से कट रहा है, तो ये भी कॉमन मल्टीपल है। अगर मैं बात करूं 72 का, तो 72 भी तीनों से कट रहा है, 4 से काट के देखिए एकदम कटेगा, 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, तो कॉमन मल्टीपल आपका ये भी हो गया। कॉमन मल्टीपल 48 भी है, 72 है। आपको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, मतलब एक ऐसा संख्या जो तीनों से कटता हो और वो सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा में कॉमन मल्टीपल कौन हो गया, तो 24 हो गया। 24 से छोटा ऐसा कोई भी सभी संख्या नहीं होगा जो वो तीनों से कटता है। उसका मेथड से अगर बनाना चाहे तो उसका मेथड क्या है चेक करने का, तो उसका मेथड ये है, कुछ ये मेथड भी नॉर्मल मेथड बताया है ना, 2 × 4, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, फिर 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 4 और 2 × 3 = 6। अब नहीं कट रहा है तो 3 × 6 = 6, 6 × 12 और 12 × 24, यानी 24 ही एक ऐसा संख्या है छोटा से छोटा में जो ये तीनों से कटता हो। तो ये तो बात कर लिए एलसीएम का। अब एचसीएफ किसको कहते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, यानी यहां पे फैक्टर निकालना है। यहां पे हमें क्या निकालना है, मल्टीपल नहीं निकालना है। मल्टीपल मतलब क्या कि जो इनके टेबल में आता हो, और फैक्टर मतलब क्या, जो ऐसा संख्या जिसके टेबल में ये आता हो, ऐसा संख्या जिसके टेबल में ये आता हो। तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा संख्या जिसके टेबल में ये तीनों आता हो, ऐसा संख्या जिसके टेबल में ये तीनों आता है। तो यहां पे अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का टेबल, 1 का टेबल में ये तीनों आ रहा है आपका, जस्ट एलसीएम का उल्टा, 1 का टेबल में ये तीनों आ रहा है, 1 का टेबल में ये तीनों आ रहा है, तो 1 आपका कॉमन फैक्टर हो सकता है, 1 आपका कॉमन फैक्टर हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, बड़ी से बड़ी, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 को अगर लेते हैं तो 2 के टेबल में भी तीनों आ रहा है। अगर मैं बात करूं 3 की, तो क्या 3 का टेबल में तीनों आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 3 तो कॉमन ही फैक्टर नहीं है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहां से होगा। अब मैं बात करूं 4 की, तो 4 को जैसे ही हम लेते हैं तो 4 के टेबल में भी तीनों आ रहा है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12 आ रहा है ना। तो यहां पे इसको चेक करने का क्या तरीका है, तो ये डिवाइड मेथड मैंने बताया है, 4 × 8, 4 से ही पूरा कट गया, तो फिर से 4 से लेंगे किसको, 12 को, 4 × 3 = 12, तो पता चला कि कॉमन फैक्टर कितना हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो समझ रहे ना, देखिए एलसीएम का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी संख्या जो ये तीनों से पूरी तरह विभाजित हो, ऐसी संख्या जो इतना से पूरी तरह से विभाजित हो, है ना। अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऐसी संख्या जो इतना को पूरी तरह विभाजित कर दे, ऐसी संख्या जो इन तीनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी जहां पे आपका को वर्ड यूज किया रहेगा, जहां पे को वर्ड यूज किया रहेगा वहां पे आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और जहां पे से वर्ड यूज किया जाएगा,
इस इन से पूरी तरह विभाजित हो, वहां पे आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, बस वही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहां पे फिलहाल किसका एलसीएम निकालना है, तो 10, 20, 15 और 40 की बात कर रहे हैं, तो 10, 20, 15 और 40 का मतलब एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जो ये सभी से कटता हो। जो ये सभी से कटता हो का मतलब क्या हुआ, जो सभी के टेबल में आता हो। अब जब सभी के टेबल में आने की बात कर रहे हैं, मतलब कि क्या बात कर रहे हैं, कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, तो सभी का एलसीएम निकाल ले। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, हाईएस्ट नंबर का, हाईएस्ट नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 40 से कम 40, क्या 40 ये तीनों चारों से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 40 दुना 80, 80 क्या 10 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 20 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या 15 का टेबल में 80 आ रहा है, 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 80 भी एलसीएम नहीं होगा। अब 40 का टेबल तीन बार पढ़िए, तो 40 की आई कितना हो जाएगा, 120। अब जब 120 हो रहा है, तो 120 10 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 15 से 8 बार में कट रहा है ना, कितना बार में भी कटे कटना चाहिए, तो 15 से भी कट रहा है और 40 से तो कट ही रहा है, क्योंकि 40 का टेबल ही पढ़ रहे हैं, तो 40 किया 120 होता है। दैट मीन्स आपका यहाँ पे फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 120। अब बात करते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जो इसको पूरी तरह से काट दे, इसको पूरी तरह से काट दे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 इन सभी में कॉमन आ रहा है। आप चाहे तो डिवाइड मेथड यूज कर सकते हैं, 10 से अगर काटेंगे 20 को, तो 10 दूना 20 पूरा कट गया। अगेन 10 से डिवाइड करेंगे किसको, 15 को, तो 15 को डिवाइड करेंगे तो 10 वन जा 10, यहाँ आ गया 5, 5 टू जा 10, यानी 5 से पूरी तरह कट गया। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे 15 तो हो चुका है 40 को, तो 5 8 40, यानी लास्ट में जो फाइनल कट हो रहा है वो कितना का टेबल उसमें पढ़ा गया है, तो 5 का टेबल पढ़ा गया है। तो इसका मतलब आपका HCF क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, तो जो HCF है वही आपका सेकंड आंसर होगा, यानी कि 5 आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। अगर से पूरी तरह से विभाजित हो, इनसे पूरी तरह विभाजित हो, LCM निकालेंगे, इनको पूरी तरह विभाजित कर दे तो क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्लियर है, तो आइए और इसी को डिफिकल्ट करते हैं हम लोग और आगे देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन में आपको क्या अलग दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में तो आपको सेम टू सेम उसी तरह से दिखाई दे रहा होगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जहां से वर्ड आपको यूज दिखाई दे, तो वहां पे आपको क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है, वहां पे आपको एलसीएम ही निकालना है। लेकिन आगे एक और लाइन बढ़ गया कि और पूर्ण वर्ग है, यानी वो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित हो, और साथ ही क्या है, वो संख्या क्या होना चाहिए, लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अगर एक छोटा सा संख्या और ले लेते हैं, 4 और 8, इनकी एलसीएम की बात करते हैं, या चलिए एक और 12 ले लिए, वही वाला आपका नंबर है। अगर मैं बात करूं कि 4, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित होने वाला संख्या कितना है, कौन है सबसे छोटी, तो 24 है। एलसीएम आपका 24 है, थोड़ी देर पहले भी देखे थे ना, तो एलसीएम कितना है, 24 है। यानी एक ऐसा संख्या, ये 24 एक ऐसा संख्या है, छोटी से छोटी एक ऐसा संख्या है, जो 4 से भी कटता हो, 8 से भी कटता हो और 12 से भी कटता हो। तो ये छोटी से छोटी संख्या है। अब अगर मैं कॉमन मल्टीपल की बात करूं जो ये तीनों से कटे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो छोटा हो या बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एलसीएम आपका आया, उसका जब टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, तो जो जो उसके टेबल में आता है, यानी जो जो 24 का मल्टीपल है, वो इन तीनों का ही भी मल्टीपल होगा। 24 का पहाड़ा दो बार पढ़िए, 48, तो डेफिनेटली 48 भी तीनों से कटेगा। 24 का पहाड़ा तीन बार पढ़िए, तो कितना हो जाएगा, 72, तो 72 भी डेफिनेटली तीनों से कटेगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, 24 का पहाड़ा अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे, तो जो जो नंबर्स आएगा वो तीनों से कटने वाला नंबर आएगा। क्लियर है, तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा संख्या निकालना होगा जो इन तीनों से पूरी तरह से कटे। पहले ऐसा संख्या तो निकाल लें, तो 12, 15 और 20 से पूरा वैसा संख्या जो ये तीनों से कटे, वैसा कौन सा संख्या आपको दिखाई दे रहा है, तो 20 तीनों से नहीं कट रहा है, 20 दूना 40, 40 भी तीनों से नहीं कट रहा है, 20 तियाई 60, 60 तीनों से कट रहा है, यानी एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम 60 आ गया। क्लियर है, लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग मतलब
वो ऐसा संख्या होना चाहिए जो किसी ना किसी का स्क्वायर है। 60 किसी का भी स्क्वायर है? नहीं। देखिए, स्क्वायर पहचानने का एक तरीका हमेशा ध्यान में रखें कि जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, या इधर आ जाए 7 हो, 8 हो, या 10 हो, तो वो कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और 0 हो, जब स्क्वायर रूट बता रहे थे आप लोगों को उस समय ये चीज क्लियर कर चुके हैं। 0 हमेशा पेयर में होना चाहिए। अगर 2 0 है तो शायद किसी का वर्ग, किसी का स्क्वायर वो हो सकता है, लेकिन 3 0 अगर हो तो वो भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्लियर है ना? 0 पेयर में होना चाहिए और उसके बाद 2 3 7 8 अगर है तो वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। यानी वर्ग होने के लिए कितना चाहिए? 1 होना चाहिए या फिर 4, इन सब को छोड़ने के बाद जो भी नंबर बचे लास्ट में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 या 6 7 8 तो होगा नहीं, या फिर 9 होना चाहिए, तभी वो किसी का वर्ग हो सकता है। अब बात करते हैं, देखिए कभी कभी हम लोग थोड़ा अप्रोच भी यूज करेंगे। अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, तो ऑप्शन में भी जब वर्ग निकालना है हमें, तो ऑप्शन में भी जो राइट आंसर है वो वर्ग ही वाला होगा। क्या 40 किसी का वर्ग है, किसी का स्क्वायर है? नहीं है, ये आपका नहीं हो सकता है। यहां तो सिंगल 0 दिखाई दे रहा है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये भी नहीं होगा। क्या ये होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपका पेयर में 0 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 0 है। 4 0 या 2 0 होना चाहिए, या 6 0 8 0, इस तरह से 0 होना चाहिए। तो वर्ग वाला कितना नंबर दिखाई दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही नंबर दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है, 900 है। तो यही आप आंसर टिक कर लें। और अगर इसको अगर आप निकालना चाहते हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 60 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। फिर 60 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 62 120, क्या 120 भी ये तीनों से कटेगा? लेकिन 120 क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। फिर 180, 6 3 18 होता है, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 तक में कोई भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है। फिर 11 बार पढ़ेंगे तो 11 6 66 100 होगा, 660 होगा। फिर अगर 12 बार पढ़ेंगे तो 12 6 72, यानी 720 आएगा। फिर 12 के बाद फिर 13 बार पढ़ेंगे तो 13 6 78, 780 हो जाएगा। और उसके बाद 14 बार पढ़ेंगे तो 14 6 84, यानी कि 840 होगा। 15 बार पढ़ेंगे तो 15 6 90, 900 हो जाएगा। ये एक आपका पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जहां पहला सबसे छोटा वाला पूर्ण वर्ग चाहिए, तो जहां 900 आपको दिखाई दिया वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या कहलाएगा, 900। क्लियर है? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन का हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का पूरा टॉपिक आप सभी को अच्छा लगा हो। थोड़ा सा LCM और HCF में और बचा हुआ है, हम लोग आधा क्लास में, मतलब 10-15 मिनट का क्लास में वो क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर आगे हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।